नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी हब में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि अपन जो आज अध्ययन करने जा रहे हैं या चर्चा करने जा रहे हैं डीमैट व ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जो चर्चा करेंगे, और डीमैट व ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में अपने लिए चर्चा में जो उपस्थित हैं, जो अपने जितेंद्र शर्मा सर हैं, ये आपको जो ट्रेडिंग व डीमैट व अकाउंट क्या है इसके बारे में बताएंगे। ये किस प्रकार से ओपन किया जाता है, कौन इसको ओपन किया करता है, किस लिए काम लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सर से आपको रूबरू कराता हूँ। जी सर, बताइए आप। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं पिछले 10 ईयर से इस मार्केट के अंदर शेयर मार्केट के अंतर्गत हूँ, और मैंने 5 ईयर एक ब्रोकर के पास में जॉब भी किया है। तो वहाँ पे मेरा काम ये डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग जो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जो ओपनिंग करते हैं वो पूरा का पूरा वर्क मैं ही देखता था, और मेरे नीचे पूरी टीम थी। तो हमने उस टाइम पे लगभग 20,000 के आसपास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ओपनिंग की थी सर। अच्छा, तो सर मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही है कि शेयर मार्केट में ये अकाउंट काम में लेते हैं जी सर। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये कि शेयर मार्केट में जो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, बताइए सर। आपको यदि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या मेरा ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट है। अभी आप मेरे को ये भी पूछ सकते हो क्या ये ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट खुलाना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये आपको मेरे साथ ही आपको खुलाना ही पड़ेगा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो और इसके बाद में आप यदि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने खुद के डाटा एकत्रित करके फील्ड में जो भी कंपनी है, जैसे हम बात करते हैं आइडिया वोडाफोन कंपनी है जो एक हमको सर्विस प्रोवाइड करा रही है, उस सर्विस के क्या वैल्यू है, फिलहाल जियो आने के बाद में उसमें क्या हुआ, अभी आने वाले टाइम में इसके सबसे बड़ी कंपनियाँ कितनी है, तो वो सब आपको देख के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। उसके लिए आप जैसे YouTube चैनल है, अदर हमारा जी बिजनेस चैनल जो TV पे आता है उससे, इनसे आप जानकारी ले सकते हो। जी सर, जी सर। तो जी सर, ये जो डीमैट व ट्रेडिंग अकाउंट है, ये अकाउंट दोनों एक ही होते हैं कि क्या होते हैं? देखो सर, मैं आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताऊं तो ये दोनों अलग अलग अकाउंट होते हैं। अच्छा, अच्छा। और एक शॉर्टकट भाषा में बोलें तो ट्रेडिंग अकाउंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे आज के लिए आप यदि कोई ट्रेडिंग करना चाहो, क्योंकि दोस्तों या मेरे साथियों आप सब लोग यदि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको सबको पता है शेयर क्या होता है, इंटरडे ट्रेडिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होता है। यदि आप एक दिन या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो या फ्यूचर में आप कॉन्ट्रैक्ट को बाइंग या सेल करना चाहते हो तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना जरूरी है। अच्छा, अच्छा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं 6 महीने के लिए, 2 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, जैसे अभी मार्केट कोरोना की वजह से मार्केट में जो क्राइसिस आया है तो आप इन्वेस्टमेंट करने का मूड बना रखा होगा। काफी जने ऐसे जो इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को बार बार कॉल भी कर रहे थे, तो उसको मैंने कई कंपनी भी रिकमेंड की थी, ये चैनल भी उनको बोलता है, क्योंकि कल या परसों एक वीडियो आया था उसके माध्यम से वोडाफोन का बोला था। तो आप 5 साल, 10 साल, 2 साल या 6 महीने के लिए यदि कोई ट्रेड या कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट जरूरी है। तो सर, एक दर्शकों का मेरी तरफ से फिर आपसे क्वेश्चन ये है कि जो ये ओपन जो डीमैट व ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराएं तो ये ओपन कहाँ करवाएं, कौन करेगा इसको ओपन, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। मेरे साथियों, ये जो आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ब्रोकर हैं, लेकिन उन ब्रोकरों में से आप सब ब्रोकर के पास में अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, क्योंकि इस देश में कुछ फ्रॉड भी हैं। जैसे आप इसमें फाइनेंस के अंतर आते हो तो बहुत सारे फ्रॉड निकलते हैं, LIC ग्रुप में आते हो तो अभी बहुत दो तीन कंपनी फ्रॉड निकली थी, तो उसी प्रकार इसमें भी फ्रॉड निकलते हैं। लेकिन इस देश की जो टॉप कंपनीज है, टॉप जो इसके अंदर अकाउंट ओपनिंग करने वाले सेंटर हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है ICICI सिक्योरिटी का, उसके बाद में आपका 2 नंबर पर आता है HDFC सिक्योरिटी का, 3 नंबर पर आपका आता है एक्सिस बैंक सिक्योरिटी का, और 4 नंबर पे आपका शेर खान आता है। और फिलहाल में आप यदि देखना चाहो ना तो TV पे एड हो या मोबाइल में हो, YouTube पे हो, Gmail पे हो, आपको एक जीरोदा नाम से मेल मिलेगा ही मिलेगा। जी जी सर। तो वो अभी मार्केट में बहुत पॉपुलर है, वो बहुत डिस्काउंट बेस पे आपको अकाउंट ओपनिंग करने का मतलब इन्विटेशन दे रहा है कि आइए आप कीजिए, वो टिप्स भी दे रहा है, आपको बताएगा कि मार्केट क्या है, मार्केट में कैसे काम करना है, आपको मोबाइल में ऐप भी प्रोवाइड करा रहा है, आपको लैपटॉप में या कंप्यूटर में भी ये अपना सॉफ्टवेयर दे रहा है, तो आप उसके उनके अंतर्गत आप करवा सकते हो। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि फ्रॉड का पहले ध्यान रखना कि कोई फ्रॉड के पास आपका अकाउंट ओपन ना हो जाए।
तो दर्शकों सर ने आपको बताया कि फ्रॉड कंपनियों से बचें, तो फ्रॉड का पर्टिकुलर अपन किसी का नाम तो नहीं ले सकते, फिर भी फ्रॉड से बचना, फ्रॉड सारे जानते हैं कौन फ्रॉड है नहीं है। तो सर यदि हम ये अकाउंट ओपन करवाएं तो उसके लिए जो आवश्यक क्या क्या अपने को डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या आवश्यक है? हाँ सर, राजेश सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। अपना देश आज एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है जी सर, कि अभी 70-75 के आसपास अपना देश में एजुकेशन का परसेंटेज है। तो इस देश में एजुकेशन के साथ में जो जो अभी जो गवर्नमेंट है उसने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया है, तो इसके बाद में हमारे पास में लगभग सबके पास में भी पैन कार्ड मतलब आप चाहो तो बना दिए और लोगों को लोग बना रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। तो सबसे मेन डॉक्यूमेंट इसके अंदर पैन कार्ड है, और उसके बाद दो नंबर पे अभी जो आधार कार्ड जो गवर्नमेंट की तरफ से भी अनिवार्य हो गया है, तो एक डॉक्यूमेंट वो भी है। लेकिन उसके बाद में इसके अंतर आपका एक बैंक में अकाउंट होना चाहिए, बैंक में अकाउंट के साथ में उस बैंक का आपके पास में चेक भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करने जाओगे ना तो आपके पास में जो डॉक्यूमेंट लगे उसमें आपका कैंसिल चेक भी होगा, उसके बाद आपका पावर बटोनी भी होगा। आप एक क्वेश्चन ये दर्शक पूछेंगे या उनके मन में आएगी, भाई मैं अपनी पावर बटोनी क्यों दूं? क्यों जब आप डीमैट अकाउंट में शेयर ले लिए और 6 महीने बाद उनको बेचने जाओगे ना, तो जो एक गवर्नमेंट सेंस ना डीमैट अकाउंट के जो शेयरों को मतलब उसके ऊपर इंक्वायरी रखती है, उनके ऊपर पूरा नियंत्रण रखती है, तो वो पहले देखिए क्या जो शेयर बेच रहा है एक्चुअल में उसी के शेयर है, तो आपको पावर पटोनी देनी पड़ेगी। इसलिए आपको 5 डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं। 1 नंबर पे आपका पैन कार्ड होना चाहिए, 2 नंबर पे आपका आधार कार्ड होना चाहिए, 3 नंबर में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, साथ में उसमें कैंसिल चेक भी होना चाहिए, 4 नंबर पे आपका पावर पटोनी होना चाहिए, और 5 नंबर पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका प्लेस सर्टिफिकेट, आप जो भी जैसे आप एड्रेस देते हो हाँ तो उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए, ये आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सर दर्शकों का आपसे एक क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है ये कि जो ये डीमैट व ट्रेडिंग जो अकाउंट है ये ओपन करने का चार्ज क्या रहेगा इसका, ये क्वेश्चन दर्शकों का। मेरे साथियों इसके अंदर मैंने आपको 5 संस्थाएं जो पहले बताई है उसके अंदर जैसे ICICI सिक्योरिटी है, HDFC सिक्योरिटी है, इनका चार्ज कुछ हेवी है, क्योंकि ये बढ़िया सर्विस मतलब वो बोलते हैं ना कि ग्रेट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, तो इनका चार्ज 1000 से 2000 के बीच में। और जब मैं 2000 जैसे 2011 या 12 में जब अकाउंट ओपन डीमैट अकाउंट ओपन करता था उस टाइम पे इसका 6000 तक चार्ज था, लेकिन आप अभी जैसे एक जीरोदा अकाउंटेंट है, ये जीरोदा वाला है या शेर खान वाला है, वो 300 से 500 इसका ओपनिंग चार्ज लेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत आपको 1 ईयर मेंटेनेंस चार्ज उसका 300 से लेके आपका 1000 तक रहेगा। उसके अंतर्गत आपको ये जो संस्था जीरोदा वाला हो, शेर खान हो या ICICI सिक्योरिटी हो, ये आपको कुछ सर्विस दे रहे हैं, जैसे आपको मोबाइल में ट्रेडिंग करने की सुविधा ये ऐप देंगे आपको, आपको उसके बाद में ये एक आपको जैसे आप अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर लेना चाहो तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके कॉल के माध्यम से आपकी कोई भी आपकी कंप्लेन हो उसका आपको हल तुरंत निकाल के देंगे। प्लस इसके अंदर 3 नंबर पॉइंट पे बात है, इसका एक ब्रोकरेज होता है, आप यदि कोई भी ट्रेडिंग करने जाओ तो जैसे 10000 का आपने कोई ट्रेडिंग ट्रेड किया उसकी वैल्यूएशन 10000 है, तो उसके ऊपर कुछ संस्थाएं हैं 1% चार्ज लेती हैं, कुछ संस्थाएं 50.50% चार्ज लेती हैं, तो इस टाइम पे जीरोदा और शेर खान वाला सबसे कम चार्ज वसूल कर रहे हैं, और कुछ ये जीरोदा वाला तो अभी लॉकडाउन के अंतर्गत अपने देश के इन्वेस्टरों और जो अपने देश के ट्रेडर हैं उनको प्रमोट करने के लिए है ना सर, 0 फीस के ऊपर, 0 ब्रोकरेज के ऊपर आप सबको ये सुविधा अवेलेबल करा रहे हैं। अच्छा जी, धन्यवाद सर आपका कि आपने दर्शकों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट के लिए जो आवश्यक अकाउंट है डीमैट व ट्रेडिंग अकाउंट उनको खोलने क्या प्रोसेस है, क्या जो इनका चार्ज है, इसके बारे में जो अपने दर्शक लाभान्वित हो रहे हैं, इसके दर्शकों की ओर से मैं आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह से आप अपने उज्ज्वल भविष्य की आपकी कामना करता हूँ, वह दर्शक भी इस वीडियो से लाभान्वित हो और अपने एक उज्ज्वल भविष्य बनाए। धन्यवाद दोस्तों आपका।